अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारे गांव की शान नारी का सम्मान नारी शक्ति किरण देवी जी को आए और सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विचार भी हम लोगों के सामने रखें। बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मैं यहां एक ऐसी नारी को सम्मानित करने आया हूं जो इस जिले में, इस गांव में एक विकास की किरण बनकर आई है, जिन्होंने यहां नारी को शक्ति प्रदान की है और विकास में आ रही अड़चनों को दूर किया है, औरतों में, बेटियों में और वृद्धों में एक विश्वास पैदा किया है और जीने के एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक तरीके को सामने रखा है। सच्चाई की ताकत और आत्मविश्वास की ताकत से लोगों को और हमको रूबरू कराया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब मेरे जिले में मेरे जिलाधिकारी रहते हुआ है और मैं इस देवी के कार्यों का गवाह भी हूं और कहीं ना कहीं इसमें सहायक भी रहा हूं और आज उनका प्रशंसक भी हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक जिले में अगर एक किरण हो और एक ऐसी नारी हो तो उस जिले के विकास को कोई नहीं रोक सकता। और अंत में मैं शुभकामनाएं देता हूं उस परिवार को और इस गांव को जिसकी ये बहू है और नमन करूंगा उन माता पिता को जिन्होंने इनको जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। जय भारत, जय नारी शक्ति। मैं निवेदन करता हूं श्रीमती किरण देवी से कि वो यहां आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। किरण देवी अब मैं किसान उज्ज्वला प्लांटेशन उत्तर प्रदेश के सह निदेशक श्री सीपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए श्रीमती किरण देवी जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं किरण देवी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। अरे इसने तो मुंह भी ना ढक रखा, फिर मैं घूंघट कैसे खोल लूंगा? मुझे लगे या मेरे ते पहले ही तैयार बैठी है, कहीं मैं ही तो लेट ना हो रहा। या तो रेडी एकदम।
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी भाई? तू मेरी बहू है, मैं बड़ा गली में किसी को छेड़ रहा हूँ। पर ये क्या तरीका है? पहले हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, कम से कम हम एक दूसरे से जान पहचान तो कर ले। जान पहचान? अरे जान पहचान हो रखी है, जब ही तो ब्याह हुआ है। ब्याह हमारे परिवार वालों की मर्जी से हुआ है, उनकी पहचान से हुआ है। हमें भी तो एक दूसरे को जानना चाहिए। हमारी हॉबीज क्या है? हगीज? अरे भाई मैंने तो सुना हगीज वगीज जब बच्चा हो जाए, जब जरूरत पड़े। तू पहले ही हगीज मांग रही है? अरे कुछ होन तो दे पहले। हगीज नहीं, हॉबीज, आदतें, पसंद ना पसंद। अरे तू पसंद है, जब ही तो ब्याह हुआ है। पहले तो आप मुझसे तू करके बात मत कीजिए। तू ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तू मेरी बहू है, और बहू तो ऐसे ही बोला जावे। ये क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही बोला जाता है? पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे तो इज्जत करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुझे चाची ताई कहने लग जाऊंगा। कहूंगा तो बहू ही। हाँ जब कोई बच्चा बच्चा हो जाएगा, जब मैं थोड़ा और ढाल बोल ले करूंगा। अब टिल्लू की मम्मी के बनाया है? हे भगवान। अरे छोड़ भगवान भगवान, बहुत टाइम बर्बाद हो लिया, तू आ जा। ये क्या पागलपन है आजा? आजा के अलावा और भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। अरे और की बात करनी है? जब तक तो हम बात ही कर रहे हैं, तू बतूनची दिखे मुझे लगे। हमें पहले एक दूसरे से अच्छे से परिचय तो कर लेना चाहिए। अच्छा, और देख मेरा नाम विकास है, मैं हरपाल का लौंडा हूँ, और तेरे ते अभी ब्याह हुआ यार, तेरा आदमी हूँ, और तू रमेश की छोरी है। बता और के परिचय हो? देखिए परिचय में सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है, और पिताजी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। अरे बाबा श्री भी लग जाएगा? ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले वो काम तो करो जिसकी नया ब्याह होया है। शादी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं होती है, शादी तो दो लोगों और दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है, जिसमें दो परिवार एक दूसरे के सगे संबंधी बनते हैं। दो लोग जीवन में एक साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर तू एक होन कहाँ दे रही है? मैं तो इतनी देर से एक ही होना चाह रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि हम मूर्खों और जाहिलों की तरह अपने जीवन को जिए, और हमारे आसपास हो रहे गलत कार्यों का हम विरोध भी ना करें, उन्हें ठीक भी ना करें। विकास बेटा सो जा, वरना पहली रात में इसमें दो लग जाएंगे। देख मैं सो रहा हूँ, तेरा ये लेक्चर खत्म हो जा तो बता दिए। अजीब इंसान है। बेटी कहाँ जा रही है? माँ जी कुछ काम कर लूँ। ना बेटी तू बैठ जा, एक दिन तो तुझे आई वाई को हुई है, तू काम करेगी तो काम वाले हमें क्या कहेंगे? माँ जी अब तो ये मेरा घर है, और मुझे यहाँ कल भी काम करना है, तो क्यों ना आज से शुरू कर। बेटी तू बैठ जा, ये गांव वाले मुंह देखने को आ रही है तेरा। माँ जी आप बैठो, आइए आप। माँ जी अब आप बैठो, काम मैं करूँगी। बहू तो मुझे कुछ ज्यादा चालाक लग रही है। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ भाई दुल्हे राजा, रात तो पूरी रात जागरण रहा होगा। जागरण? अरे सुहाना सफर। अरे देख नहीं रहे, चेहरे पे थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे भाई रात के हुआ हमें भी कुछ बता दे। अरे भाई रात तेरी सुहाग रात थी, बता तो कुकर कुकर रहा हिसाब किताब। अरे बतानी ना चाह रहा, हम भी पूछ के छोड़ देंगे, पूरी रात ना सोन दी होगी। हाँ तू भी देख लेता आके सोन ना दी होगी। अरे हमें तो तू ही बता दे, बस नुमानिये देख ही लिया होगा के होया। अरे होना के था, कभी क्या पसंद ना पसंद बताओ, और बता दी तो मुझसे भी पूछो, और हाँ तू कह दी तो आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और भाई फिर उसे के कहना पड़ेगा? आप हैं? आप बहू को भी आप कहेंगे तो बड़े शर्म की बात है यार। अरे हाँ हम कहेंगे आप, हमने कभी अपने बाप को तो आप कही ना है, ज्यादा करेगी तो दो लगा दूंगा, मैं तो रात ही लगा देता, पर मगा चल नहीं नहीं आई है।
भाई हमें भी आप ही कहनी पड़ेगी, हमसे ना आ जा थारे घरो। माँ कैसे बैठी है? नहीं बैठी हूँ बेटा, ये तेरी बहू काम करनी ना दे रही, आप ही करती फिर है। ये गांव की औरत मुंह देखना आ रही है, मानी नहीं रही मेरी तो, मन ने तो बतेरी समझा ली। बड़ी पागल है, चल तू रोटी ले आ। ये क्या कर रहे हैं आप? भैंस की धार काट रहा हूँ, दिखता ना रोटी खा रहा हूँ। तो हाथ तो धो लीजिए। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, देख। कोई बात नहीं, आप फिर भी हाथ धो लीजिए। जब साफ है तो क्यों धो लूं? क्योंकि हमारे हाथों में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। पहले तो होए ना, तेरे आने से हो जाएंगे कीटाणु। देखिए सामी, हमारी भैंस बन रही है। ये तो कभी ना खाने से पहले हाथ धोती, ना खाने के बाद हाथ धोती, ये तो ना होती बीमार। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे खाना हाथ से तो नहीं खाना पड़ता, और उसकी साफ सफाई का ख्याल इंसान को ही रखना पड़ता है। वे तो देखिए वहीं गोबर करे और वहीं मुतते हैं। हाँ ठीक है, पर आप हाथ धो लीजिए, वो देखिए पिताजी भी तो हाथ धो रहे। हाँ जब भी तो बीमार पड़े रहे, तीसरे दिन कभी जुकाम, कभी नजला, कभी खांसी। अरे हमारे खांसी जुकाम तो उमरते हैं, अब तक तो हाथ ना धोए, बहू के कहने से धोले। बड़ी आफत है भाई। लाओ भाई। एक गिलास पानी ले आ। पर पानी आप खाने के साथ मत पीना। तो कब पीना पानी? कम से कम एक घंटे बाद। अब पानी भी हम इससे बूझ के पीऊंगे के? तू देख कैसे पीना है। या डॉक्टर नहीं है के जो हर बात यह बताओगी? यू की बतावेगी, हम बताऊंगे क्या करना है इस घर में। देखो जी ये बात ठीक ना है, एक दिन आई हुई है, सारा काम करती फिर है, अरे मना करने से मान रही नहीं, अरे देखो कैसे चबड़ चबड़ बोल रही है। सही बात है, दो चार दिन आराम से बैठती, जो काम करने के वे तो करना रही, मास्टर नहीं बन रही है। कौन से काम? अब आप कहाँ चले? अब कहीं जाऊं भी ना मैं। चले जाना, पर मेरे साथ कुछ काम तो करा दो। काम मेरी माँ ने तो कभी मेरे पे करवाया नहीं, तू पहले दिन ही करवाने लगी। ठीक है माँ जी ने नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो। ए बहू से जान दे, कौन सा काम है समय करवा लूंगी। माँ जी कुछ भारी सामान है वो उठवा देंगे। अब चलिए।
थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यार अच्छा ब्याह होया, ब्याह जैसी तो कोई बात ही ना मेरी गेल। तो काम करवा रही वा तेरे पे? हाँ भाई, ब्याह के बाद तो काम करने पड़े। काम? अरे जो काम सबसे पहले होना चाहिए था उसका तो जिक्र ही नहीं आने दे रही वा। यार बुरा मत मानिए, पर हमें तो ऐसा लगा है जैसे उसकी किसी और से चैटिंग हो। सही कह रहा भाई, आजकल ऐसा भी हो सके के पता। अरे रे रे, अब यहाँ से क्यों आ रहे हैं? ये पेड़ टूट जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ से आ जाते। हाँ आ जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप? के कर रहा हूँ। ये उठाइए यहाँ से। और कहाँ गेरूं फिर? ये उधर डाल के आओ डस्टबिन में। चाहिए उठाइए। अब किधर? वहां जाके हाथ धो के आइए। उधर साफ सुथरे हाथों को भी धोवावे, कोई बात है या? और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वो मटके में रखा है। अब आप कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ धनपाल के चौतरे पर ताश खेलना। ताश बाद में खेलना, पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो। अरे काम कल करवा तो दिया सारा, अब की है? अरे कल का काम अलग था, आज अलग है। आज की है? आज हम बाहर की सफाई करेंगे। सफाई? देखिए सफाई कितनी हो तो रही है यहाँ। घर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है। अरे घर की बहुत है, बस रहने दे तू। देखिए आप हमारी बात तो सुनते नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की हम क्यों सुना जब वो हमारी नहीं सुनता? हिसाब बराबर। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है जिसके लिए वो खुद सड़कों पे उतरे हैं झाड़ू लेकर। अरे ये नेता पब्लिक का बेवकूफ बना हुआ है, समझ गई ना, कोई झाड़ू वाड़ू लेकर नहीं उतरता। वो ऐसे नेता नहीं है, वो सच में बहुत अच्छे नेता है, सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं। तू रिश्तेदार है के प्रधानमंत्री की? मैं रिश्तेदार हूँ आपकी, पत्नी हूँ आपकी, और आपको मेरे साथ चलना ही होगा बस। अजीब औरत है भाई। अरे के रौला रुका मचा रखा भाई। देखिए ना पिताजी, मैं इन्हें बाहर की सफाई के लिए बोल रही हूँ, ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई, जब ये कह रही है तो जाता क्यों ना? थारी ने भी लगवाई की कभी झाड़ू थारे पे? अरे हमारी ने तो तेरे पे भी ना लगवाई कभी। तो ये मास्टर नहीं मेरे गले में घालनी जरूरी थी के? भैया ये तो अपने अपने कर्मों का फल है और सभी को भुगतना पड़े। जा बेटा जा, झाड़ू लगा, बहू खड़ी देख रही है, जा। मैं उधर साफ कर लेती हूँ, आप ये कर लीजिए। अरे क्या हो रहा? हो करे जब नई नई बहू आवे दो चार दिन चमक दिखाई करे। अरे अरे भाई यू क्या हो रहा? अरे क्या चल रहा विकास भाई? स्वच्छता अभियान चल रहा दिखता ना भाई। अगर ब्याह के बाद ऐसी हालत हो जाएगी मैं तो फिर कुंवारा ही रह लूंगा। अरे इसे देख कर तो मेरे भी कपकपी चढ़े हैं। उस रात वाले अभियान का कह रहा? अरे उसका तो मैडम जिक्र ही नहीं आन दे रही। फिर कैसे बनेगी बात? कैसे के बनती, आज ज्यादा टैटे करी तो 2 लगा दूंगा मैं। हैं? अरे क्या खुसर खुसर कर रहे हो? चाची कुछ ना, हम तो इसे बुलाने आए थे। अरे ये चोखा काम कर रहा, तुम जाके ताश ही खेलोगे? जब कभी घर में आई है जिंदगी बर्बाद कर।
रख दी। माँ जी ये लड़ाई सी कहाँ हो रही है? कौन तो लड़ाई? तुम सब अंदर चलो, तेरी बड़ी सफाई। यू जग्गा होगा, अपनी बहू को पीट रहा होगा, तू के ले उनसे। लेकिन माँ जी क्यों? वो तो उसका रोज का काम है भाई, इसने भी जीवन नरक बना रखा राज बहू का। लेकिन उसे कोई रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा उसे? जो कोई रोके उसे गाली देगा भगा दे। लेकिन ये हमारा समाज किस लिए है? ए बहू रुक, तू मत जा वहाँ, तुझे भी वो शराबी गाली देगा भगा देगा। जान देना, जितनी तेज जा रही है उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी। साली कमीने, तुझसे मैंने इतनी बार कह दिया, मेरे आगे बोला ना कर तो बोला ना कर। औरत आदमी की पैर की जुत्ती होती है जुत्ती, और जुत्ती पैर में ये अच्छी लगती है, समझी? जुत्ती नहीं होती औरत, सर का ताज होती है औरत, घर की शान होती है औरत, और आप इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं? मेरी बहू, मैं कुछ भी करूं, तू कौन रखती है? वो गर्भवती है, और आप इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं? कोई दुर्घटना हो जाए तो? हो जान दे दुर्घटना, मेरा बालक मेरी बहू, मारूं या जो करूं मेरी मर्जी, चली जाए यहाँ से। नहीं नहीं आई है, शर्म कर रहा हूँ। क्या शर्म कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे अंदर? ओ चाचा, ले जा अपनी बहू को। ओ कुसुम, संभाल अपनी बहू को, तुम्हारे घर के झगड़ा में टांग ना लावे। किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का जुल्म किसी का निजी मामला नहीं हो सकता, और आप जैसे लोग ऐसी बेतुकी दलील देकर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं, फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा हैं कि यहाँ पर हो रहा अत्याचार जब किसी का निजी मामला हो सकता है? और आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल्म? मर्द है मेरा, इससे ज्यादा क्या कर सके? पिटेगा तो पिट लूंगी, इससे ज्यादा क्या कर सके औरत? एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंदिरा गांधी बनकर देश को भी संभाल सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। ए बहू, नई नई बात ना बतावे, यो पाठ अपनी सास को जाके पढ़ा। ये मेरी बहू है, मैं तो इसे मारूंगा, देखे तू क्या करेगी। मेरे सामने तुम इसे छू कर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए, जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499, जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498A है, जिसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। औरत के साथ अश्लीलता करना, धारा 294, उसको गाली देना, धारा 509, औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376। और जब कानून औरत के साथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज के बाद अगर तुमने इन्हें कुछ कहा ना, तो आज तो सिर्फ धाराएं बताई हैं, अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूंगी। तुझे क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में जाने की? माँ जी, औरत कोई भी हो, किसी की भी हो, हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। बस बस सुन ली तेरी, किसी की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं, और घर में रहे ऐसे जैसे बहू बेटी रह करें, आगे समझ में? अरे वो अपने घर में कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है? देखो ना, उसकी माँ ने 4 बात और हमें सुना दी, जो पिट रही वो तो कुछ कह रही नहीं, यू खामा खा पंगा ले रही है। माँ जी तो क्या करे, उन्हें वही सब सिखाया गया है, वो बेचारी तो अनपढ़ है, कानून भी नहीं जानती। अरे तू कानून के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। देखो, जुल्म करने वाले से बड़ा पाप का भागीदारी होता है जुल्म सहन करने वाला, और जुल्म होते देखने वाला उससे भी बड़ा। तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ा नहीं रही। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर एक औरत होके मैं एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती, फिर तो लानत है मेरे औरत होने पे। भाई हमारे तो बस की अनस से जुबान लड़ानी, हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले।
भैया के कहवे, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, मारे में ना इतना दिमाग। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सोना नहीं है क्या? हाँ आ जाऊंगा मैं, बस सोना ही तो है। मैं जानती हूँ आप दिन वाली बात से नाराज हैं, पर आप ही बताइए कि किसी पर हो रहा अत्याचार देखकर कैसे चुप रह जाएं? और वैसे भी हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तेरे सब कर्तव्य पड़ोसियों की नहीं है के? क्यों, क्या मैं कभी अपने घर के कामों से पीछे हटी हूँ? आप ही बताइए। लो भाई कर लो बात इस। अच्छा चलो अब उठो और अंदर चलो दूध पी लो। आ जाऊंगा मैं, करना के है, बस सोना ही तो है। हाँ सोना ही तो है। अच्छा किस बात पे कौन सी धारा लगे, तने यही बात सीखी है के या कुछ और भी सीखा है? आपको क्या लगता है? मुझे और कुछ नहीं पता। चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। ये जल्दी है, बस सोना ही तो है। बस सोना ही नहीं है और भी कुछ है, है? हाँ आपको क्या लगता है, मैं आपको प्यार नहीं करती या फिर मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं? चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। कोई धारा वारा तो ना लग जाएगी? आप मेरे पति हैं, आपकी मेरे ऊपर और मेरे आपके ऊपर कुछ हक भी तो हैं। हे भगवान, तने सुनी तो पर थोड़ा लेट। कैसे लंगड़ा रही है? जानवर हो आप। अच्छा हाँ भैया, आज इस बहू को इसके घर मिला के लाना। क्यों? अरे भैया मारा होक रहा है ऐसे, ये रीत रिवाज है। ठीक है तैयार हो जा, बस मैं आ रहा हूँ। पापा जी, पापा जी नमस्ते। खुश रहे बेटा। पापा जी ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी नमस्ते बेटे। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ ना बेटे, मैं ये देख रही हूँ माई थोड़ी बदल तो ना गई। मम्मी जी मैं कभी नहीं बदल सकती, मैं हमेशा वैसे ही रहूंगी जैसा मुझे मेरे पापा ने बनाया है। बेटे हमारी छोरी कुछ नियम कानून वाली है, परेशान मत होइयो, पर दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा चलो अंदर भी चलो, आओ बेटा। जीती रहो। राम राम पिताजी। ठीक है सब भाई? जीती रहो, बनी रहो, दूध नाओ पूत फलो। चल अंदर, इस कमरे में। गन्ना चूस रहे हैं तो ये छोकते किसी तसले या टोकरे में डाल देते। यहाँ गली में भी? अरे यहाँ तो पड़े रहने दे। बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है, आप उठाइए इन्हें और तसले में डाल के आइए। चल मैं उठा दूंगा। उठा दूंगा नहीं, अभी उठाइए। चल ठीक है, आज तू कुछ भी उठवा ले। अरे भाई तो बीबी तसले उठा रहा। अरे भाई अभी तो सूख का ही दिख है।
कह रहे हैं पेशी भी हुई है, अभी धारे चल रही है। देख नहीं रहे मैडम, लंगड़ा रही है। अच्छा तो ये बात है। आशा दीदी, आशा दीदी, क्या हुआ आशा दीदी? आए मर गई, मुझे दर्द हो रहा है। आपके सास कहाँ हैं? वो दाई को बुलाने गई हैं। और आपके पति? वो दारू पिए पड़े हैं। आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे दाई गई तो है, दाई को बुलान। मैं दाई पे विश्वास नहीं कर सकती, हम इन्हें लेके चलेंगे। हम क्यों लेके चलेंगे, इनके घर वाले लेके जाएंगे इन्हें। जब हम इनके पास है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें लेके चलें। अब जल्दी से जाइए, डॉक्टर लेके आइए। आशा दीदी, आफत है भैया। आशा दीदी प्लीज, जीना हराम कर। आशा दीदी सारे काम ही सही करने हैं देश के। या बहू ने अस्पताल ले आई, इतना खर्चा होगा कहाँ से होगा? आशा के पति कौन है? जी मैं हूँ। लड्डू मंगा लीजिए, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपके घर। ठीक है, छोरी के होने में लड्डू खिलाए जाने के? क्यों नहीं ताई जी। थैंक यू डॉक्टर। आशा दीदी और बच्चा कैसा है? दोनों ठीक है, बच्चा कमजोर है, माँ में खून की कमी है, और दोनों का खाने पीने का ध्यान रखें। पता ना कौन से कर्म हमारे आ गया है जो हमारे छोरी हुई। ताई जी, छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है आज। कैसे फर्क नहीं पड़ता, सिर से लेके पांव तक फर्क ही फर्क है। अरे ओ जग्गा, जाकर छोरी का गला घोड़ते तो जीवन भर के बोझ से बचना चाहता है। बस करो आप, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे शर्माती आपकी ऐसी सोच पर। दूसरों के मामलों में नेतागिरी करनी अलग बात है, जब खुद के छोरी होगी तो पता चल जाएगा। ताई जी, अगर मुझे लड़की हुई ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप देख लेना, आप भी यही और मैं भी यही। ठारा होगी तुम घुसोलियो, हमें ना बिल्कुल भी छोरी होने से खुशी। अरे भैया, खुशी हो या गम हो, थारा छोरी होगी तम जानो और थारा काम जाने। चल भाई, हमारा काम हो लिया खत्म। हाँ हाँ तम जाओ, हम अपनी को मारे या छोड़ दे। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? आपको बेटों के लिए बहू चाहिए, बच्चों के लिए माँ चाहिए, भाई के लिए बहन चाहिए, पर लड़की किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी ही नहीं होगी तो अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और भगत सिंह कहाँ से पैदा होंगे? वो बेटियाँ ही हैं जो आज विदेशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, गीता बबीता, साइना नेहवाल और किरण बेदी। और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना तो आप लोगों की रिपोर्ट करने वाली मैं होंगी, मैं। ध्यान रखना आप लोग। और हाँ, वो बच्ची आपकी बेटी है, आपकी पोती है, उसे प्यार से पालिए, उसे मारिए मत। क्या पता कल को वो बड़ी होकर कल्पना चावला या मैरीकॉम बन जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आज यही हमारे देश की जरूरत है। आई आराम से चला ले। अरे तुझे पता है ना, मैं तो ऐसे ही चलाए करूँ। पता तो है पर रास्ता भी तो खराब है भाई, सरकार भी तो कुछ काम करके ला देती। अरे भाई, सरकार किसी की भी आओ, सारे एक से हैं। ये वोट मांगन तो आवे, फिर दिखाई भी ना देते ये। भाई बात तेने सोलह ने सच कही है। अरे बात तो सही है। अरे हमारे देश के नेता काम करते ना तो हमारा देश आज अमेरिका से भी आगे होता। आप लोग जब देखो सरकार को दोष देते हो, आप लोग खुद क्या करते हो कभी सोचा है आपने? आपके देश के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? जब वोट डलते हैं, सरकार चुनी जाती है, तो देश के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है कभी ध्यान दिया है?
आप लोग कभी धर्म के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी दारू के लिए वोट देते हैं बस। अरे यही तो दो चार दिन है मौज लेने के, इन पे तो रोक लगा दे। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात बोलते हुए? ऐसी घटिया सोच ही तो हमारे देश को पीछे लेके जा रही है, और इसी सोच के कारण गलत लोग आगे आते जा रहे हैं। अच्छा के बच्चे ऐसे क्यों घूम रहे? हाँ इन्हें मत घूम दे, कोई धारा बता दे इन्हें भी। स्कूल का नल खराब हो रहा है, बाल लगता हूँ ईश्वर के घेर में पानी पीना है। प्रधान जी को नल ठीक कराना चाहिए, उन्हें कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तू बोल दे जाके। हाँ मैं ही बोल कर आऊंगी या फिर आप। अरे हम क्यों बोल देंगे, जिनके बच्चे पढ़े हैं वे अपने आप बोल देंगे। ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या ऐसी सोच रखने से हमारा देश जाएगा अमेरिका से आगे? भाई यार तू चल मैं आ रहा। सारे गांव में थू थू करवा रखी है। माँ जी किसी की सहायता करना क्या गलत काम होता है? किसी के दुख में काम आना क्या गलत काम होता है? गलत हो या सही हो हमें ना कराने ये काम। आज के टाइम में कोई भलाई ना देता है। देखे ना बुढ़िया कैसे उल्टी सुद्धी बोल रही थी। कौन क्या बोलता है हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हमने तनु जानी क्या पढ़ी लिखी बहू आवेगी और घर खुशी मारेगी, तू तो पूरा गाँव खुशी मारती फिर है। माँ जी मुझे मेरे माँ बाप ने सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है, दूसरों की सहायता करना सिखाया है, उनके दुख दर्द में काम आना सिखाया है, और मैं बस वही कर रही हूँ। मुझे ना पता तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। अच्छी है हमारे तो बस किया ना तेरे से जुबान लड़ानी। अरे भाई आज तक इस गांव में हमारे सामने कोई लड़की नहीं बोली, और या हमें पाठ पढ़ा के चली गई। भाई मुझे तो चालू पुर्जा लगा है। सही कह रहा भाई, तभी तो यूं सारे गांव में घूमती फिरे। अरे पहली रात विकास को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ट्रैक्टर बजा रही थी, लाइन दे रही थी मुझे। अच्छा रिंकू को तो अपने पास बैठा लिया। अरे मेरे तो कई बार चुकटी काटी चुकटी। अरे सही क्या हो तुम, अब का ट्राई मार के मैं भी देख लूं। अरे जब तेरा जुगाड़ हो जाना भाई तो हाथ पैर हमारे भी धुलवा दिए इस बहती गंगा में। अरे मजा आ जाएगा कतई खरा पीस है खरा। अरे भैया हमारा बिजली ना आ रही आज। बिजली ना आ रही क्यों? औरो के आ रही है कभी भाग रही हो? सबका आ रही है भैया हमारे ना आ रही। मैंने तार हटा दिया है इसलिए बिजली नहीं आ रही। तार हटा दिया क्यों? अरे जब हमारे मीटर लगा है तो हम मीटर से बिजली जलाएंगे। मीटर का कितना बिल आओगा पता तुझे? तेरा बाप भरेगा। मेरा बाप क्यों भरेगा, आप भरेंगे? हाँ बहुत बड़े बाप की बेटी है ना, जब बिल भर के बिजली जलवाएगी। माँ जी अगर हम बिल नहीं दे सकते ना तो हम बिना बिजली रहेंगे, लेकिन हम चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे। तू पागल है के? सब जलावे, हम ना जलाओगे तो की हो जाएगा? जैसा सब करते हैं वैसा ही हम करेंगे। अगर हम दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारें ना तो सब सुधर जाएंगे। कर लो इस मूर्ख का क्या करो, ऐसी पागल तुमने यह देखी है जो फ्री के पैसे दीवान मंड रही है? माँ जी ये फ्री की चीज नहीं है, सरकार इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है। अगर सब फ्री की बिजली चलाएंगे तो सरकार कब तक बिजली देगी? भाई हमें तो पता ना तू के चावे, ऐसी अकल किस काम की जो अपना ही नुकसान करे। सुनो। सुना। आज आपको प्रधान जी के यहाँ जाना है अभी। क्यों प्रधान का भी तार हटा करना के? वो सड़क और स्कूल का नल खराब है, उसको ठीक कराना है, उसके लिए बोल कराना है। अरे वे उनका काम है, वे अपने आप करा देंगे, हम क्यों नेता बन रहे हैं?
हाँ हाँ ये उनका ही काम है, इसीलिए तो बोल रही हूँ, आप जाके उनको बोल कर आइए। जाइए अब। बढ़िया चल रहा फसल वसल सब ठीक है? बहुत बढ़िया। और भाई तेरी? बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया। वरना सब गिर गया? अरे बस नुई जीता रहेगा। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ भाई विकास साहब, तू तो कभी दिखाई देता ना, तू तो चुनाव में ही दिखाई दे। प्रधान जी चुनाव में तो बहुत जोर लगा रहे। भाई चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे हो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। प्रधान जी जब से इसका ब्याह होया जो तो घर हो रहा है, बाहर का काम तो इसकी बहू देखा है। ताऊ तुझे सुद्दी सादी ताई मिल रही है, अभी तुझे पता ना मैं कौन सी तोप संभाल रहा हूँ, जिस दिन उसके अड्डे में आ गया ना पता चल जाएगा तुझे। भाई सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, पर चल छोड़ तू बता। प्रधान जी गांव की सड़क खराब हो रही है और स्कूल का नल खराब हो रहा है। अच्छा तो तुम उन्हें बनवा दो। भाई इस बात की फिक्र तो हमें तेरे से ज्यादा। पर क्या करूं, पीछे तो पैसे ही ना आ रहे, कैसे बनवाऊं? हाँ चलो कोई बात ना प्रधान जी, जब पैसा आओगे जब बनवा दियो। भाई बिल्कुल बनवावेंगे, और हमारा काम ही क्या, इसी काम के लिए तो तुमने मुझे प्रधान बनाया। हाँ यू बात तो है प्रधान जी। चलो ठीक है प्रधान जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। अरे यू कब तक सड़कों की फिक्र करने लग गया? बताई तो प्रधान जी, या फिक्र इसकी नहीं है, किसी और की है। ए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो ये? थारे को दिखाई दे तो तार गिर रहे हूँ मैं। आप बिजली की चोरी कर रहे हैं? हमें चोर बता रही है, 25 बीघी जमीन है हमारे, हम क्यों चोरी करेंगे? कटिया डाल के बिजली जलाना चोरी होती है। कटिया डाल के सारा गांव जला रहा, तुझे बस हम ही चोर दिखाई दे रहे हैं? 4 दिन की आई बहू हमें चोर बता रही है, थारे गिराए कटिया, पहले उन्हें रोक ले। सबसे पहले मैंने अपना ही तार हटाया है, उसके बाद ही आपको बोला है। ठीक कर आपने उतार लिया, दूसरों को क्यों उपदेश दे रही है? अरे सुनो कहाँ जा रहे हो, ये कटिया हटाओ पहले। ना उतारता, ऐसी जरेगी माई लाइफ तो, जिस पर रुके रोक लो। आप कटिया उतारते हैं या फिर मैं पुलिस को फोन करूं? तू कौन है पुलिस को बुलाने वाली, थारा को उठा लिया मैंने। सरकारी किसी भी चीज की चोरी करना जुर्म होता है। फिर तो सरकार है के, सरकार जाने हम जाने, वोट दे रखा ना नेताओं को, हम तो नू ही जलावेंगे। ठीक है तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे अब के नया राडा बो दिया यू? क्यों क्या हुआ? तू सतवा था क्यों लड़ रही थी? देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मेरा काम किसी से लड़ने का नहीं है। तो फिर के हो रहा था वहाँ? वो हमारा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा था, बस मैं उसे समझा रही थी। अरे बिजली का तार ही तो गिर रहा होगा, तेरा तो कुछ ना बिगाड़ रहा था। आप लोग समझते क्यों नहीं है, बिजली चोरी करना सरकार का नुकसान करना होता है। अरे तो सरकार का नुकसान ना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है के? मेरी नहीं है, हम सबकी है, हमें समझना चाहिए ये देश का नुकसान है। अरे यार अपना भला तो होना रहा, तू देश का भला करने की रह नहीं दे, ज्यादा मास्टर नहीं मत बने, तुझे तो जो बोलना है बोल दे, वे समाज में हमें बैठना पड़े, फिर ये बात हमें झेलनी पड़े। मैं क्या कभी किसी को गलत बात बोलती हूँ? मैं तो वही बात बोलती हूँ जो सही है। अरे बाबा तू हमें माफ कर दे, तू अपनी अच्छी बात किसी को भी मत बताए करे, कोई ना सुनना चाहता आजकल ये बात, और ज्यादा ही शौक है ना ये बात करने का, तो तू अपने बाप के यहाँ चली जा, वहाँ कर ले नेतागिरी। अरे भाई विकास है के? प्रधान जी। हाँ 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 आ जाओ प्रधान जी। राम राम। राम राम भाई, राम राम तेरी 10 बार राम राम। अरे तमने सतबा कैसे परेशान कर रखा, तेरी वो पुलिस बुला रही गई है? मैं बताती हूँ। ये कटिया डालकर बिजली जलाते हैं जो कि कानूनी अपराध है। कोई बात ना बहू जलान दे, कटिया डाल के बिजली जलाने वाला यू केला ही थोड़ी जला रहा, सारा गांव जला रहा। हाँ अरे यही बात तो प्रधान जी, मैं इसे समझा रहा हूँ, सारा गांव जला रहा है। अगर सारा गांव जला रहा है तो प्रधान जी आप उसे रोकिए, आप प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं। अरे बहू ये सब अपने ही तो हैं, जला लेन दे, जब तक मैं बैठा इनका जितना भला हो जा हो जाने दे। सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी। ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें चोरी सिखा रहे हैं,
और देश का नुकसान कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश का भट्टा बैठता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। के बकरी है तू, ये प्रधान जी है हमारे, इज्जतदार आदमी है, तू इनते बोल कैसे रही है? अरे अब तुम ही देख लो भाई, मैं तो इस गांव का भला चाहूं। सही कह रहे हैं प्रधान जी, जा तू भीतर। आप थोड़ी देर चुप रहिए और सुनिए प्रधान जी, ये जितनी भी अवैध कटिया है ना, ये सब आप उतरवाएंगे, वरना मैं आपको बता दूं, विद्युत चोरी करने पर अधिनियम 2003 के तहत धारा 135 में केस दर्ज होता है और मीटर से छेड़छाड़ करने पर 138 बी में मुकदमा चलता है। तो जितनी जल्दी हो सके ये सारी कटिया आप उतरवा दीजिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। देख लो भाई अब क्या करना, इसके हिसाब से तो सब अपनी अपनी कटिया हटा लो, और ना हटाते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो गांव के साथ हूँ। चलो भाई चलो। एक बात बता, तुझे सारी चीजों की धारा पता है, तू वकील है के? हाँ वो तो पता ही है। और जो ये ना मानने तो तू क्या करेगी, गांव का सामना करेगी? अरे सामना तो करने लग रही है यो। ना किसी छोटे के लिए आग ना पड़ेगी, ना किसी से ओला ना पड़ता, हर जीव देख इसकी कैसी लतर लतर चल रही है। माँ जी ओला पल्ला करना ही सिर्फ शर्म नहीं होती, अच्छी बात बताना और अपने समाज को सुधारना उससे भी अच्छी बात होती है। हाँ तो पकड़वा दे सारे काम को। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन्हें पकड़वाना ही पड़ेगा। हैं? तू एक काम कर, जल्दी अपने घरू जा, मारे बस की ना इतना लफड़ा झेलना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में मेरा और कोई घर नहीं है, सिर्फ यही है, और आप सब मेरा परिवार है। तो इस परिवार को जीण क्यों ना दे रही तू? अरे यूं ना जीण दे, ये तो सबका पूरा बनवा लेंगे हम। अरे जो होगी देखा जाएगा, चल चल। जब मैं नहीं डरती तो आप लोग क्यों डरते हैं? अरे तू रानी लक्ष्मी बाई है, कौन है तू जो तू ना डरती? और सुनो आप भी अपना बिजली का बिल जमा करके आ जाओ। इतनी बड़ी आफत नहीं देखी होगी किसी ने। अच्छी बहू आई विकास की, बताओ सारे काम में कटिया उतरवा दिए, अब बिल भरते रहो हर महीने। चौधरी हरपाल के छोरे की बहू को बोलने की तमीज ना, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा, जो कोई की लाज शर्म ना, पता ना के धारा के नाम है, उसे लाज शर्म बोलने की तमीज ना। सही बात है, सही बात है, सही बात। कराए बिल जमा? कर आया, 5,000 रुपए लग गए। और प्रधान जी ने सड़क और नल का क्या कहा? बनवा देंगे जब पैसे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्सा ना करूं तो तेरी आरती उतारूं? एक हम ही है जिनका पूरे गांव में ड्रामा बन रहा है, और वो बेचारा प्रधान आया था समझान, उसके पीछे पड़ गई। तुझे पता ना कितना दिलदार आदमी है वो, आधी रात को भी खड़ा रहे त्यार मारी निया, और चुनाव में घर घर मिठाई भिजवावे घर घर, और दारू की तो छूट कर दे। और दारू पिलाने वाले की आप तारीफ कर रहे हैं? तो 20 लाख रुपए लगाए चुनाव में, 20 लाख। वही तो बुराई की असली जड़ है, जो प्रत्याशी चुनाव में पैसा लगा रहा है वो बाद में पैसा कमाना भी तो चाहेगा, और फिर शुरू होते हैं गलत काम पैसा कमाने के लिए। और जो गांव के विकास के लिए पैसा आता है ना, वो जाता है इनकी तिजोरियों में और गांव रह जाते हैं ऐसे के। अरे तुझे पता ना है, बतेरे काम करवावे है वो। हाँ देख तो रही हूँ, न सड़के हैं न खड़ंजे हैं, नल खराब है, स्कूल की तो इन्होंने दुर्दशा कर रखी, पूरे गांव को इन्होंने गलत राह पे लगा रखा है। मुझे तो भाई इसके रहने के लक्षण लग नहीं रहे, कि हमारे रहे होगी, और नहीं तो हमें भगानी पड़ेगी। विकास के वो को तो कहीं लिहाज ही ना है। हाँ छोटा बड़ो की शर्म है ही ना, लिहाज शर्म है ही ना, पढ़ी लिखी तो बेकार लोग है, इन्हें तो कति शर्म ना। अरे कुछ कह भी रहा है तो मेरी हिम्मत तो ना पड़ती उनके घरों जाने की। अरे बहू ना पूरी फिल्म है, रोज सीन देखने को मिले। लगा तो चालू है वो, पर उससे बात करने के लायक भी तो हिम्मत चाहिए। अरे यू ही तो कह रहा हूँ मैं, जोड़ से का मन करे पटा लो, मेरा तो बस किया नहीं। अरे कुछ तो सोचो यारो, जुगत बिठानी पड़ेगी जुगत। अरे प्रधान जी, बड़े बड़े शेरों से न डरे, और एक औरत से डर गए। अरे वो औरत नहीं है सुखी, शेरनी है, शेरनी
और उसकी ताकत है उसकी सच्चाई। फिर क्या इलाज है उसका? वही तो सोच रहा हूँ सुखी, वही तो सोच रहा हूँ। तू जा विकास को ला बुला के। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और विकास को लेकर आऊँ। किसे? मुझे? हाँ तुझे। विकास, अरे मैं सोच रहा हूँ तुझे एक बढ़िया सा ठेका दिलवा दूँ, जिससे चार पैसे तेरे भी बढ़ जाएं। यो तुमने बहुत बढ़िया सोचा प्रधान जी। अरे इसीलिए तो जो पार्टी रखी है तेरे लिए, पर एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत प्रधान जी? अरे दिक्कत यह है, हम तो सोच रहे तेरे भले की, पर ऐसा ना हो वो तेरी घरवाली नट जा और फिर तू यार काम ही ना करे। अरे उसकी ऐसी तैसी प्रधान जी, मैंने उसे कई बार समझा लिया, अब मारे प्रधान जी बहुत बढ़िया इंसान है, बड़े दिल वाले हैं। अरे नू तो मुझे तेरे पे पूरा भरोसा विकास, पर मैंने लगे कदी। ऐसी बात नहीं है प्रधान जी, मैं तो अब लो उसमें दो चार जमा देता, पर वह साड़ी धारा वारा की बात करे, कदी साड़ी पकड़वा दे फिर तुम ही छुड़वाते फिरोगे। अरे तू नू चिंता मत कर। क्यों सुखी? ठीक है, ठीक है। तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ ना, तुझे पता नहीं है अगर गांव में सबसे ज्यादा किसी का सम्मान है ना तो वो थारा घर है। थारा घर तेरे पिताजी कभी जब मुझे मिल जाना तो सबसे पहले राम राम तेरे पिताजी को करूं मैं, और ये सारा काम मुझे करे और मैं तेरे बापू को करूं यार। क्यों सुखी? हाँ। तो प्रधान जी तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। अरे विकास तू अपने मुनाफे के पैसे ले, मेरे तय पहले ही ले ले, ले। अरे ले तो सारे ही ले। अरे प्रधान जी थारे मारे बीच में इनकी कोई अहमियत ना है, पर मुझे एक शर्मिंदगी की बात होगी। कैसी शर्मिंदगी? वह जो मेरी बहू है ना, वह थारे सामी बोलगी बस ही आए। अरे कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी है थोड़ा बहुत तो कुछ बोल लेगी, पर हमें तेरे पे पूरा भरोसा है तू उसे समझा लेगा। मैं तो प्रधान जी किसी दिन उसे ऐसी ढंग से समझा दूंगा, रैप्टे इतने मार दूंगा सारी पढ़ाई भूल जाओगी। अरे नहीं बस रैप्टे वैप्टे तो रहने दे भाई, बस तू उसे समझा दिए। क्यों सुखी? हाँ प्रधान जी। मैं तो उसे ऐसी समझा दूंगा प्रधान जी, और उसके खानदान लोग भी समझ में आ जाएगी। साली मारे प्रधान जी के आगे बोल रही है, कुछ मान ही न रही, तुम्हें बेवकूफ मान रही है। कभी कहे प्रधान जी लेटरिन खा गया, कभी कहे प्रधान जी खड़ंजे खा गया। बताओ मारा प्रधान जी लेटरिन क्यों खाओगा, पेंशन क्यों खाओगा? मारा प्रधान जी तो दावत देवे, बड़ी बड़ी चीज खावे। मैं प्रधान जी उसे समझाने वाला हूँ, अब उसे मैं अच्छी ढाल समझाने वाला हूँ। बताओ मारे प्रधान जी को बेवकूफ मान रही है, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक हो गया प्रधान जी, बहुत बढ़िया। साली कहवे तो सही है, गांव में कोई नाली नहीं खड़ंजा नहीं, यू साला है तो प्रधान बदमाशी। किताब पढ़ रही है? किताब कौन सी, रामायण पढ़ रही होगी, धारा ही पढ़ रही होगी। आपने शराब पी है? हाँ पी है तो? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम्हें मुझसे उम्मीद भी थी है? कमाल है। प्रधान जी से रास्ते और नलकी पूछी आपने?
कौन सा रास्ता कौन सा नल है? स्कूल का नल और गांव का रास्ता। हाँ, अच्छा वो तो बनवा दिया प्रधान जी ने रास्ता एकदम वो नल पानी दे रहा। अच्छा हाँ जा देख के आओ। ठीक है खाना लेके आऊँ खाओगे? सुनो उठो मैं खाना लेके आती हूँ। सुनो तुमसे तो मैं इस पर सुबह बात करूंगी। तुम्हें मुझसे उम्मीद भी थी है? कमाल है। अरे माँ डरा दिया तने तो। अब डरना सीख ले। अच्छा तू चाय ले आ। चल ठीक है बैठ मैं ला रही हूँ। आज कहाँ चली गई दिखाई भी ना दे रही। बताओ मुझसे रात को झूठ बोल रहे थे कि नल भी ठीक हो गया और रास्ता भी सही हो गया पर यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब मुझे ही प्रधान जी के यहाँ जाना पड़ेगा। वहीं जाती हूँ। आज वह कहाँ गई? कौन? वाई धारा देवी। मुझे ना पता भैया तू जाने या वो जाने सारा काम घर का निपटा के पता ना कहाँ चली गई। कहाँ गई होगी? जिस बहू बेटी का एक बार घर से बाहर पाँव निकल जा ना फिर वो रुकती ना। हैं? टाइम है अभी सुधार ले उसे नहीं बाद में रोवेगा। अरे तू चिंता मत करे उसे तो मैं ऐसी सुधार दूंगा तू भी के याद रखेगी। अरे हमें तो ऐसा लग रहा वो तुझे ही सुधार देगी और गैल में हमें भी सुधार देगी। अरे तू जाने मुझे मैं अभी कुछ कहना रहा हूँ जिस दिन कुछ कहूंगा ना उसकी रेल बना दूंगा रेल। पता ना तू कद रेल बनावेगा अभी तो उसने मारी बना रखी है। अरे तू देखती रह पता ना पर गई कहां आज। प्रधान जी जब लेटरी नहीं थी गांव की उनका क्या हुआ? अरे तो तुम्हारा हिस्सा भी है उसमें मिलेगा घबराओ मत। हमें तो आज तक पता नहीं चला भाई कितनी लेटर है कितनी नहीं। चल जाएगा। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी मैं किरण श्री विकास कुमार जी की पत्नी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अरे भाई कोई कुर्सी लाइयो। कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है प्रधान जी मैं तो बस गांव की कुछ समस्याओं में आपका ध्यान चाहती हूँ आप उस पे ध्यान दीजिए। देखिए बहू गांव की समस्याओं पे मेरी नज़र आपसे ज्यादा है। पर प्रधान जी तब भी सारी समस्याएं जो की त्यों ही हैं। देखिए ऐसा है जैसे ही पैसा आएगा मैं सब ठीक ठाक करा दूंगा। प्रधान जी ये सारी बातें आप गांव के भोले भाले लोगों को समझाए कीजिए मुझे नहीं क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से लगातार पैसा आता है और उसकी पहली किश्त कब का आ चुकी है। बहुत जानकारी है तुम्हें। बिल्कुल जबी तो आपको कह रही हूँ कि आप काम करा दीजिए। अच्छा अगर मैं कहूँ मैं काम नहीं करवा रहा तो तू क्या कर लेगी? RTI। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार। प्रधान जी एक RTI लगते ही ना आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल के सबके सामने आ जाएंगे। प्रधान जी गांव में सड़कें पानी नल खड़ंजे इन सब की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। गांव वालों को स्वच्छता की ओर लेके जाना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि गांव के लोग उसका फायदा उठा सके उसका लाभ उठा सके। बुजुर्गों की पेंशन आती है लेकिन वो पेंशन कहाँ जा रही है किसी को कुछ भी नहीं पता। गांव में फ्री शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना से पैसा आता है। कितने शौचालय बनाए आपने? और सिर्फ यही नहीं ऐसी कई सारी योजनाएं कई सारी बातें हैं
जो केंद्र और राज्य सरकार लोगों को देती है, पर आप लोगों से बीच में ही खा जाते हैं। प्रधान जी, आप ये सारे काम करा दीजिए, वरना मैं ये सारी बातें इन लोगों को बता दूंगी। बताओगी? वह हमें बताओगी? अब हम उसे बताओगे। विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई। अरे के आफत आ गई, क्यों हाँ पर आए? अरे भाभी प्रधान तो उलझ गई। प्रधान जी ते हो गया नाश। प्रधान जी, मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करानी पड़े। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप सारे काम करा दीजिए, तो आप ही हमारे लिए एक अच्छे प्रधान और अच्छे इंसान हो जाएंगे। नमस्कार। प्रधान जी, वो देख ले भाई विकास, भरे गांव में तेरी बहू हमारी बेइज्जती करके गई, पर हम कुछ नहीं बोल ले, क्योंकि हम तेरी और तेरे बाप की बहुत इज्जत करें। हाँ मैं जानू प्रधान जी, मैं इसे समझा दूंगा, यथार्थ माफी मांग लगी। अरे माफी मांग लगी? हमारे से तो माफी मंगवाना चाहे, प्रधान जी से माफी मंगवाना चाहे? बहुत तेज है तेरी बहू। तो मैं क्या कह रहा था ताऊ, अक मैं ही जानू मैं कौन सी तोप संभाल रहा हूँ, तुझे पता ना अभी। प्रधान जी मैं उसे समझा दूंगा। बीज? माँ जी, मैं तो प्रधान जी को गांव की कुछ समस्याओं के बारे में बताने गई थी। तू प्रधान के यहाँ क्यों गई थी, जब हम तेरे कहने थे जा रहे थे? तो आप जा तो रहे थे, पर आप उन्हें कुछ बोलने के बजाय उनकी शराब पी के मुझसे झूठ बोलने लगे कि सड़क बन गई है और नल भी ठीक हो गए हैं। अरे हो जाएंगे तो एक दिन में हुए हैं के? हाँ एक दिन में नहीं होते, लेकिन अगर काम शुरू किया जाए तो हो सकते हैं। वो तो पैसे खा के बैठे हैं। तुझे ज्यादा जानकारी है पैसे खा के बैठे हैं? तू नेता है के या तेरी जिम्मेदारी है सारे काम कराने की? सारा काम पड़ा? हाँ लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अरे जो करेगा कर देगा, पर तू कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? ए भगवान। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जाएंगे। पर आपके जाने से होगा क्या, वो आपको दारू पिला देंगे, बात वहीं खत्म। आज के बाद आप दारू नहीं पियेंगे, ध्यान रखिएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ भूख उड़ा के तू खुआओगी परांठे, दुश्मनी करवा दे सब तुम्हारी। और सुनो, कल आप मेरे साथ ब्लॉक चलेंगे। ब्लॉक? वहाँ क्यों? वो आरटीआई लगवानी है। आरटी क्यों? उससे पता चल जाएगा कि कितने पैसे आए हैं और गाँव में कितने काम हुए हैं। किसी के कोई धारा पारा तो ना लग जाएगी? अरे नाना कोई धारा नहीं लग रही, बस जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक ही जाना है ना, थाने तो ना जाना ना? हाँ हाँ ब्लॉक ही जाना है। देख मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, तू मान जा, मत ना बैर बंधवावे। यही डर तो भ्रष्टाचार की जड़ है। आप आइए, हम अपने गांव के भले के लिए काम कर रहे हैं, चलिए। साहब है अंदर, चलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं खेड़े गांव से आई हूँ। सर ये मेरे आरटीआई की एप्लीकेशन है, मुझे इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहिए। बैठिए ना, कुर्सी मंगवाता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। ये आरटीआई क्यों लगवा रहे हैं आप? क्यों सर, आरटीआई लगवा नहीं सकते क्या? हाँ हाँ, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं इसको आगे भेज दूंगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगेगा। सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। इट्स ओके। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।
दूंगा। ये हो गया माता जी? क्या हुआ माता जी? इस बुढ़िया को मौत भी तो नहीं आती, हमारी छाती में डरी रहे। अपने बड़ों से ऐसे बात करती हैं आप? तुम सिखाओ हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, सारा गांव जानेगे तो कैसी है। ये सास है आपकी और सास माँ होती है। ये कौन है तू हमें मत समझाओ, सारे गांव में तो तू मुजोरी करती फिर है, फरदान पे तुम्हें बख्शाना। और आप अंदर छिप कर तमाशा देख रहे हैं, माँ की बेइज्जती होता देख रहे हैं, शर्मानी चाहिए आपको। शर्म इन्हें क्यों आवे, शर्म आवे तुझे, जा अपना काम देख। माँ बाप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के तहत कानून है। कहो तो आपको धाराएं भी बताऊं? चल माँ चल भीतर चल, यहाँ क्या कर रही है? जीतती रह बेटे। चलो चलो माँ जी भीतर चलो। चलें अब? आप चलो, मैं जरा स्कूल जाकर आती हूँ। क्यों, अब स्कूल वालों की क्या गलती है? आप चलो तो, मैं बस अभी आ रही हूँ। रे कौन आई थी? अरे कोई औरत आई थी आपके गांव से प्रधान जी। अच्छा, के बोल रही थी? अरे वो आरटीआई लगा कर गई है आपकी। अरे ये तो बताओ कौन थी? प्रधान जी आरटीआई लगाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है जब तक उनकी मर्जी ना हो। मुझे सब पता कौन हो सका है वो। इसका सीधा सा मतलब है आपका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अच्छा, इससे बचने का क्या उपाय है? पैसा, ऊपर से नीचे तक सभी को पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पैसा? पैसा कौन देगा? आप देंगे? मैं? आज तक जितने घोटाले हुए उसमें तो सब हिस्सेदार थे, तो मैं अकेला पैसे क्यों दूं? ये कोई बात हुई? प्रधान जी तेरा मेरा करने का टाइम नहीं है, आरटीआई लगी है, हमें जानकारी देनी पड़ेगी और आरटीआई लगाने वाले ने चाहा तो इसकी जांच भी होगी। अरे जब जांच ही होगी तो पैसा किस बात का, तुम ही कुछ उपाय करो। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, अब तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, रिपोर्ट घुमाकर बनवानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, पैसे का तो मैं जुगाड़ करता हूँ, आप अपना तो काम करो, उसमें कोई कमी ना रह जा। ठीक है प्रधान जी। अरे इस विकास की बहू ने तो नाक में दम कर रखा। प्रधान जी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, के का इलाज करो वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे इसे पता नहीं प्रधान क्या चीज होती है, जिसे बसाते हैं तो बसाते हैं और जिसे उजाड़ते हैं तो उजाड़ ही देते हैं। नमस्कार। नमस्कार रसपाल साहब, बड़े घबराए हुए लग रहे हो। हाँ जी प्रधान जी, काम से एक औरत आई थी स्कूल में, मुझे तो वो आफत लग रही है। अरे तो क्या हुआ? वो कंप्लेंट की धमकी दे गई है हमारी। अरे तो क्या हुआ, कंप्लेंट करने की धमकी तो दी है, कंप्लेंट करी तो नहीं? अजी मुझे तो अब उसके कहने से डर लग रहा है। घबराओ मत प्रिंसिपल साहब, घबराओ मत, मैं बैठा हूँ ना। इस आपस से तो आप ही बचा सकते हो प्रधान जी। प्रिंसिपल साहब, उस औरत का तो मैं वो हाल करूँगा कि वो जीवन में सब कुछ काम करेगी पर किसी की कंप्लेंट नहीं करेगी, घबराओ मत। अरे आर्टी पार्टी की चीज हो भाई, पता तो मुझे भी ना है पर जरूर कोई खतरनाक चीज है। हाँ यह बात तो सही है, प्रधान अधिकारी प्रिंसिपल सभी भागे भागे फिर रहे, सभी के दस्त लगा रखे। पता ना यू बहू किस घड़ी में हमारे गांव में आई है, जिस दिन से ये सब की राह बांध रखी है पर इसका किसी से कुछ नहीं बिगड़ता। उसका हिम्मत ना किसी मित्तू कहने की, इतनी धारा जाना है वो। अब पता ना कौन सा नया हथियार लाई है, आर्टी फाटी क्या है वो? तुम देखते जाइयो, अगर यह बहू इस गांव में दो चार साल रहेगी तो सभी के फांसी लगेगी। ना ना यू बात ना, पर इसका इलाज क्या है? इलाज उसे तो प्रधान जैसे भाग्य पर है, हम क्या चीज है? छिना वाले वा छिनाल, उसका कुछ पता ना वह कद किसका गेट खुलखुला दे। हाँ भाई के बात है? आपकी चिट्ठी है जी। हैं? अरे देखिए हमारे वारंट फारंट तो ना आ गए। आपके हाथ में जी, खोल कर देख लो। हाँ हाँ देख लेंगे, कोई डर लग रहा के? क्या है ये? अरे तुम्हारी कोई रिपोर्ट पिपोर्ट तो ना करी आई? अरे ये तो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटी का रिप्लाई? हाँ आरटीआई जो हम पिछले महीने लगा कर आए थे। अब आरटी लगाओगी तो ऐसे रिप्लाई आओगे ही, अब क्या होगा? अब मैं इसे लेके प्रधान जी के पास जाऊंगी, उनको इसे दिखाऊंगी। तू देख, तू
तू प्रधान जी के यहाँ नहीं जाओगी, तने वादा करा था। हाँ मैंने वादा किया था, अगर आप जाएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ मैं जाऊंगा, तू चल। अब तू ही देख ले भाई विकास, हम थारा कितना भला चाहे और तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिर है। देख ले भाई, यो तो लेने का देना, अगर तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कैसे कह रहे हो प्रधान जी, मैं आगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आन दू। नौबत? अरे नौबत तो आ चुकी। यू के कह रहे हो तुम, ऐसे कैसे आ जागी? अरे या तो आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई है जब मैं आ गया था? मैं जानती थी जिस काम में आपको भेज रही हूँ ना वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे थे आप प्रधान जी कि पैसा नहीं आ रहा? केंद्र और राज्य दोनों जगह से लगातार पैसा आ रहा है। कागजों में तो स्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं, गांव में खड़ंजे बिक चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और वृद्धा पेंशन भी आ चुकी है 37 लोगों की, पर गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, आप कई घरों में शौचालय भी बनवा चुके हैं। कहाँ है वो शौचालय? भाई विकास, यूं सारा पैसा मैं गांव की भलाई के लिए ही तो लगाऊं, और कौन सी मेरी कमाई है जो कहीं से मैं लगाऊंगा। हाँ सही कह रहे हैं प्रधान जी, बात को ज्यादा न बढ़ावे, चल। भाई इसी में थारी मारी भलाई है, इससे पूछ ले यू के चावे, मैं इसे दे दूंगा, इसकी मुंह दिखाई का सगुन हो जाएगा। देख भला तुझे और के चाहिए, प्रधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। सचमुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधान जी आप किरण को रिश्वत देना चाहते हैं। बहू इसमें रिश्वत की बात कहाँ से आ गई, तू हमारी बहू है, हम तुझे कुछ दे में, इसके बदले में तू हमारी छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर दिए। छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे? पूरे गांव के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ बहू, मेरा कहा है सब कुछ थारा ही तो है, तुम बोलो तो सही। प्रधान जी मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिकायत कर सकती हूँ। और हाँ गांव के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना वो निकालिए और गांव के विकास में लगाइए, इसी में आपकी और हमारी भलाई है। विकास ले जाइए इसे यहाँ से, ज्यादा मंत्री मत बने, हम चुका तो इसका मतलब सिर पे चढ़ती जा रही है, ना कर रहा मैं कुछ भी, जा तेरे पे जो होता हो कर लिए। अच्छा जी राम राम। तुम करो प्रधान जी, तब तो उसका काम तमाम कर दो। उसका काम इतनी आसानी से तमाम होने वाला नहीं है, वो आम औरत नहीं है, बिजली का नंगा तार है, अभी तो इससे बच जाओ, इसमें गनीमत है। तो फिर हम क्या करें? शांत रहो, टाइम आने पे मैं बता दूंगा क्या करना है। सुनो। सुना। वो कल आप मेरे साथ डीएम कार्यालय चलेंगे। डीएम कार्यालय क्यों? वो मुझे आरटीआई की रिपोर्ट जमा करके आनी है ताकि कार्रवाई हो सके। देख ना तो मैं जा रहा ना जाओगी तू। मैं क्यों ना जाऊं? मैंने आरटीआई इसलिए नहीं लगाई कि उस रिपोर्ट को बैठ के मैं ही देखती जाऊं। अरे तू तो होगी पागल, हमें तेरी गैल पागल ना होना। अरे न्यू गांव के गांव में कार्रवाई करी जाके, ये अच्छी बात है के? क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है मुझे अच्छे से पता है, आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं। ना मैं ना जा रहा। ठीक है मैं ही चली जाऊंगी। तेरी समझ में क्यों नहीं आती है कोई बात? समझ में आपके क्यों नहीं आता, ये काम हमारे घर के काम से भी ज्यादा जरूरी है, अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तू तो पागल होगी, जा जा जाना है। साहब मेरी घरवाली को मेरा बड़ा भाई लिए बैठा, साहब उसे दिवा दो, मैं बड़ा परेशान हूँ साहब। साहब बहुत परेशान है, इसका काम जरूर करा दो। साहब ना तो कोई दरोगा सुन रहा, ना छोटा पुलिस वाला सुन रहा, कोई थाना कचहरी सारी जगह जा रहा। देख रहा हूँ साहब, प्लीज साहब बस करा दो इस काम को। बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है साहब जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है सर? ये मैंने आरटीआई लगाई थी, ये उसका जवाब आया है। बताइए आप क्या चाहती हैं? सर मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। ठीक है मैं कराता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी
जी नेक्स्ट। बताओ, ना रोड की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं, ना खड़ंजे। कौन सा घर है? ये वाला है जी, ये है जी किरण देवी जी का घर। घर पे है कोई क्या? जी कहिए। आपने जो कंप्लेन किया था उसका जांच के लिए हम आए। अच्छा जी, आइए ना। आप ही चलिए और हमें दिखाते जाइएगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आइए सर। सर देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कैसे बह रहा है देखिए। ये देखिए, ये पुलिया बनी और बनके टूट भी गई। नोट कीजिए। आइए सर। ये देखिए, लिख लीजिए। सर ये देखिए, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है। नोट करो। आइए, ये देखिए। नोट करो। सर ये देखिए, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। नोट करो। और इधर सरकारी शौचालय होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ये देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। सर आप इनसे पूछ लीजिए। आपका घर में सरकारी शौचालय है क्या? सारी लैट्रिन तो प्रधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे हैं। नोट करो। और कोई सुविधा? हमारे कुछ नहीं है। ओके। आइए। सर ये देखिए, इस गली में आज तक एक भी ईंट तक नहीं लगी है। आइए। प्रधान जी क्या हो रहा है, कोई काम वाम तो हो ही नहीं रहे? काम करा रहे हैं साहब। कुछ नहीं हो रहा है, मैंने सारे गांव घूम घाम के देख लिया। अजी आप आइए, मैं बताता हूँ। जो बता रहा है आप मुझे यहाँ बताइए। अजी आप आइए तो सही, आप जाके सुनिए इनका। जी सर। हाँ जी आप बताइए, क्या आपका जानकारी है? सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो लैट्रिन करने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, ये मामला ये निपटाओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, ये बहू आपके गांव की है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। ये तो जिले के सभी अधिकारियों को हिलाया हुआ है और सबको पता है कि गांव के प्रकाश कार्यों की जांच करा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में न चली जाए। कोई तो रास्ता होगा,
सारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे हैं। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। नाना, वो मानने वाली नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। चलो अच्छा बात हो गया। हाँ जी, चले आप फिर। जी अच्छा किरण जी, मैं जाके रिपोर्ट बनाकर आगे भेजता हूँ। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस। नो नीड फॉर थैंक्स मैम, इट इज माय ड्यूटी। आई नो सर, बट नाउअडेज हु डज हिज ड्यूटी? यस यू आर राइट, देयर आर honest people who do their duty very honestly. Yes, you're right. Sir, if you don't have any problem, so please come to my home for lunch. No, no thanks. हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सर। हम जल्दी इस पर डिसीजन लेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गांव के विकास में लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। प्रधान जी, और क्या हो रहा है, कुछ हमें भी तो बताओ। भाइयों, मैं जो इस गांव की सेवा कर रहा हूँ उसमें ये औरत बाधा डालना चाहती है। मुझे लगता है आपके गांव के पैसे में से ये कुछ हिस्सा खाना चाहती है। पर मैं इसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गाँव का पैसा आपके गाँव में ही खर्च होगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ जा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस औरत ने तो गांव का नाम बदनाम कर दिया। सही कह रहे, सही कह रहे। भाइयों, अगर इसकी चली तो ये सारे गांव को बंधवा सकती है। तुम लोग चूड़ियां पहन लो, एक औरत तुम्हारे पे नहीं संभाली जाती। प्रधान जी, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। भाइयों, मेरा जो होगा सो होगा, पर ये थारा जीना मुश्किल कर देगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ तक कि तुम पे हाउस टैक्स लग जाएगा, जमीन टैक्स लग जाएगा, और जो तुम्हारे पास पैसा है उस पर भी टैक्स लग जाएगा। और इसे देखा देख, तुम्हारे घर की औरतें सब भाग निकल जाएगी और तुम्हारे सर पे चढ़ के चबड़ चबड़ करेगी, और तुम रोटी बना करोगे रोटी। चलो भाई, आज इसे देखेंगे। रोड़ा थारी बहू है, उसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारा हक्का पानी घेर देंगे। हाँ हाँ, बर्दाश्त नहीं करेंगे सब हम। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ क्या बात है भाई? तुम मुझे एक बात बताओ, किसी के घर के बाहर आके यूं कहना कि तुम अपनी बहू को भगा दो, अच्छी बात है? बढ़िया बात है। जो इंसान गांव के लिए सही नहीं, उस गांव में रहने को हक नहीं है। सही कह रहे हैं। अरे वो गांव का क्या नुकसान कर रही है, ये बताओ। अच्छा, गांव के नुकसान न कर रही, वाह। जो काम गांव में कभी ना हुए अब हो रहे हैं। तो शुरुआत है, कल पता ना क्या होगा। अरे पीछे हटो, क्या कोई मर्द हो तो घर में पांव धर के दिखाओ। विकास गांव के सामने आ रहा, तू पछतावेगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगत लेंगे तुम, जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रहे हम, पर पंचायत करे तो आपका पानी घेरेंगे। अरे घेरते हो जो कुछ घेरना है, जाओ यहाँ से। अरे भैया, बाहर कैसा रुक्का मचरा? रुक्का नारे लग रहे हैं, नेता बहू ले आई है ना तू, तो रोड़ा तो अब हो गई थोड़ा बहुत रोज। हे भगवान, हमें तो कैसी बहू दे दी, हम तो इससे दुखी हो लिए, मारी तो कटगी जैसे तैसे। मुझे तो भैया तेरी चिंता हो रही है, तेरी कैसे कटेगी इसकी गैल? मेरी कैसे कटेगी, मैं ना रहूं इसकी गैल एक मिनट भी अब। हाँ समझ गए ना, अरे भरी पंचायत में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और आज तुम्हारे मुंह पे थुक्कड़ की नहीं, हमारे गेट तक आ गए लोग हैं। बहुत बेइज्जती हुई है आज हमारी, सबके बुरे बनवा दिए हम हैं, सबके बुरे बनवा दिए, सारा गांव विरोध कर रहा है इसका। गांव के वही लोग मेरा विरोध कर रहे हैं जिनको फ्री के खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे खा रहे हैं तो खान दे, तेरे बाप का खा रहे हैं के? तेरी पे की जोर पड़ रहा है। सब ऐसे ही सोचते हैं, कोई भी गलत कार्यों का विरोध नहीं करता,
तभी तो देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो तू भ्रष्टाचार दूर करना आई है क्या इस गांव में? बिल्कुल, अगर मेरे सामने भ्रष्टाचार होगा तो मैं नहीं होने दूंगी। ये तू मान जा, जैसे सब रह रहे हैं ऐसे रह ले, तू क्यों मारा फजीता करवा रही है? लेकिन माँ जी, किसी न किसी को इसके लिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अरे जिसे उठाना होगा उठा लेगा, तू नहीं उठाओगी। मैं ये सब देख के आँख बंद करके अपना जीवन नहीं जी सकती। तेरे दो थोपड़े में मारूंगा जब तक जीऊंगी। ये जोश, ये ताकत, काश आपने गांव के भले के लिए लगाई होती तो इसका सही इस्तेमाल हो जाता। अरे भाई सुनो, तुम लड़ो मत, मैं इसके बाप को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ अभी, रुको। बड़ा शोर है गली में, क्या बात है? अरे विकास की बहू के पीछे पड़ रहे हैं सब लोग। क्यों? अरे उसने प्रधान की शिकायत कर दी थी, प्रधान पूरे गांव को भड़का रहा। वो तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, इतने बुरे क्यों हैं लोग? अच्छा गांव के नेता बनेगी तो यूं ही होगा। तो समधी जी क्या बात थी, आज अचानक क्यों बुलाया मुझे? कैसे कहूं, कहते मैं भी शर्म लगे मुझे, ना कहूं तो बताऊं कैसे? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो बात हो मुझे बताओ। ये ना बताओ मैं बताऊंगी, अपनी छोरी को अपने घर ले जाओ, हमें ना चाहिए यो। घर ले जाऊं, ऐसी कोई बात तो हो? सारे में भाग के फिर जाओ, तपाऊं घर में नहीं रुकता। क्यों, यू घर का काम नहीं करती क्या? अजी काम तो यू बहुत करे, और इतना क्या हम सोच भी नहीं सकते। या थारी फिर इज्जत नहीं करती यू? अजी क्या बात कर रहे हो, इज्जत तो ऐसी करे क्या मुकाबला नहीं इसका? तो फिर इसका चाल चलन गलत है? ना 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 ना, चाल चलन में कोई कमी नहीं है। फिर इसको कोई ऐसी बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं, देख लो ठीक ठाक खड़ी है। तो मुझे बताओ ना क्या बात है फिर? बात यू है, सारे में भाग के फिरे जा, इसका पाँव घर में नहीं रुकता। बेटा तू गांव में क्यों भाग के फिरे ऐसे? पिताजी वो जो यहाँ का प्रधान है ना, उसने सारी योजना का पैसा खा रखा है, तो बस मैंने उसकी आरटीआई लगा दी और जांच शुरू हो गई। तो समधन जी इसमें तो कोई ऐसी बात भी ना है बुराई की? बुरी बात ना है, पर हम ना चाहते है भाग के फिरे सारी जगह। तो बेटा एक काम करेगा, तू ना जाएगा, विकास को भेज दिया कर। पिताजी मैं तो यही चाहती हूँ, पर ये जाते तो नहीं, और अगर मेरे कहने से चले भी गए ना तो गांव में से कोई ना कोई इन्हें बहका देता है और ये उसकी हाँ में हाँ मिला देता। मैं तो बावड़ा हूँ जो कोई भी भका लेगा, एक याई अकलमंद पैदा हुई है धरती पे। देखो जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और यह बात मैंने सगाई के टाइम भी कही थी, मेरी लड़की मेरा अभिमान है, इसने गर्व से मेरा सिर ऊंचा किया हमेशा, और फिर भी यदि कोई गलती हो बेशक इसकी गर्दन काट देना, मैं इसे देखने तक नहीं आऊंगा। लेकिन कुछ बातें इसके स्वभाव में हैं, ये घरेलू हिंसा और भ्रष्टाचार होते हुए नहीं देख सकती। तो इसे ही दूर करने के सारे भ्रष्टाचार। देखो जी अगर ये जिम्मेदारी सब निभाने लग जाएं, तो एक दिन आएगा हमारे समाज में ये बीमारी नहीं बचेगी। भैया तो इसका भी बाप है, चले हम तो, हमारे बस की ना इसकी सुन। इस औरत का कुछ करो प्रधान जी, आप तो फंसे ही हो, आपके साथ हम भी। वह तो हमें मरवा के छोड़ेगी। मैंने कहा था ना ठेकेदार, वो शेरनी है शेरनी। हम तो परेशान हैं। और आप तारीफ करते जा रहे हो इसकी, करना क्या है ये देखो। अरे शेरनी का क्या किया जाता है, शेरनी का तो शिकार ही किया जाता है। कालू तू ऐसा कर, पहले जाके पेंशन बंटवा दे, और जितने नल है ना उन्हें सबको ठीक करवा दे, और जो भी खरंजे वरंजे टूटे पड़े उनमें मिट्टी विट्टी डलवा के रिपेयर करवा दे। हाँ क्या बात है? ताई कहाँ है? ताई पता नहीं कहाँ मर रही है। भाई ताई के गुंठे चाहिए थे, प्रधान जी पेंशन बंटवा रहे हैं। पेंशन? पेंशन मिल रही है? अभी लाता हूँ बुलाया के। ठीक है आ जाओ, हम जगह क्या जा रहे हैं, पहुंच जाओ। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। प्रधान जी पेंशन बंटवा रहे हैं। लो अपने नाम के आगे साइन करो। बस ऐसे ही करो।
आधार कार्ड प्रधान जी की बैठक पे पहुंचा दियो। ठीक है जी, राम राम। और घर में सब ठीक है? बस बढ़िया। दीपक भाई मेरी माँ देखी के कहीं? क्यों, क्या बात होगी? अरे प्रधान के कागज जमा होने लाग रहे हैं पेंशन के। अरे कुछ पेंशन वेंशन न मिलने की, उस भोग के कहने से बड़ी पेंशन मिल रही होगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, मिल भी सके। अरे मेरी माँ बता दो कहाँ है। अरे राम फल के घेर में बैठी उसकी भोग ला। यू लेगा पेंशन। सर ये नीली केड़ी का रिपोर्ट है, बिल्कुल तैयार है। बैठिए। क्या आप वहां गए थे? बिल्कुल गया था जी, सारा चीज को पता किया जी। वहां कुछ नहीं हुआ सर। आपने पूरा गांव को जाके ग्राउंड पे देखा? बिल्कुल देखा जी। गुड, वेरी गुड। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, जरूर करना चाहिए। ठीक है। माँ जी देखो, तुम किरण की बुराई कर रही, आज उसी की वजह से पिल्सन मिल रही है तुम्हें। हाँ बहू तो बहुत अच्छा कह रही है, बहुत अच्छी बहू आई है वो। मैं तो विकास की बहू को बहुत बेकार समझी थी, उसने तो बहुत अच्छा काम किया। ये बात तो तू ठीक कह रही है। विकास की बहू की वजह से हमें तो पेंशन पहली बार मिली। ठीक कह रहे हो, ये पेंशन सारी प्रधान की जेब में जा रही थी। क्या सोच रहे हो? क्या बात, आज बात भी नहीं कर रहे? बस सोना ही है क्या? मेरा तो अभी सोने का मन नहीं है। तू के सोच रही है, तेरा ऐसा करने से मैं बदल जाऊंगा? मुझे तेरे से तलाक चाहिए बस। वो तो मैं नहीं दूंगी, उसके बदले कुछ और लेना है तो वो ले लो। पर मुझे तो लेना है। आपको पता है तलाक एक की मर्जी से नहीं होता, उसके लिए दोनों की मर्जी होना जरूरी है। मैं तगड़ा सा वकील करूंगा। तगड़ा सा? वहाँ कोई कुश्ती थोड़ी करनी होती है। अरे बड़ा वकील करूंगा। बड़ा वकील भी बिना कारण तलाक दिलवा नहीं सकता। अच्छा, और आप ये सोच भी मत लेना कि मैं आपको तलाक दूंगी, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ जो अपने पति को छोड़ नहीं सकती। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हे भगवान, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, तो बड़ी खतरनाक है। एक जरूरी सूचना, अगर मेरे बुद्धू पति को थोड़ी बहुत प्यार की जरूरत है तो वो पास में लेटी हुई अपनी पत्नी से संपर्क करें। सूचना समाप्त। पता नहीं साहब सुबह से कहाँ लापते हैं और ना फोन लग रहा है। काड़ू, तू उस पर नजर रखिए, वो डीएम के ऑफिस जरूर जाएगी। ठीक है जी। टिल्लू, तू विकास बुला जा बुला के। पता नहीं कहाँ चले गए आज ये, इनका फोन भी बंद है। चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ।
राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, आ विकास बैठ। प्रधान जी मुझे बुला रहे थे, क्या बात थी? अरे ऐसी बात यहाँ ना हुआ करती, आप इतर आ। भाई विकास, तू अपनी बहू से छुटकारा चाहे ना? हाँ जी हाँ जी, छुटकारा तो दिलवा दूंगा, पर सोच ले, मैं जो कहूंगा वो बोलना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, जो तुम कहोगे वो मैं बोल दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम तो कितने बढ़िया आदमी हो जो इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम हमारा साथ दे रहे हो। अरे भाई विकास, मैं तो गाँव का भला करना चाहूँ, ये ले। है? इतने पैसे प्रधान जी? अरे विकास, तू हमारा खास आदमी है, तेरा ख्याल करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा प्रधान जी। अरे रुक, इतने पैसे ऐसे ना ले जाते, ले है? इसमें लपेट के ले जाइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है प्रधान जी। जा, अच्छा ये गैस। प्रधान जी वो तो चली गई, अब तुम्हारा काम है। पुलिस से तो मैंने पूरी सेटिंग कर दी है। गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस, आपकी इस हिम्मत की वजह से ही इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। थैंक्स सर, तो मैं समझू कुछ कार्रवाई होगी? जी डेफिनेटली, जब तक आप घर पहुंचेंगी कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सर मैं तो बस यही चाहती हूँ कि गांव के विकास का जो भी पैसा है वो सिर्फ गांव के विकास में लगे बस। जरूर लगेगा, जब तक आप जैसे लोग हैं लगना ही चाहिए, अवश्य लगेगा। थैंक यू सर। अच्छा सर नमस्कार। माँ माँ, अरे कहाँ गई तू? अरे कैसे रुक के दे रहा, ये बात होगी? ले मौज कर। इतने पैसे? अरे इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पे? माँ तू कुछ पूछे मत, बस ये रख ले तू, आज तो हमें सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। भैया मैं तेरी बात समझी ना, ये कहाँ से आए तेरे पे इतने पैसे? अरे ये पैसे प्रधान जी ने दिए हैं, और कहिए मौज कर, तेरी जो भी समस्या होगी उन तो तुझे मैं छुटकारा दिलाऊंगा, और तेरी बहू से भी छुटकारा दिलाऊंगा, बस जो मैं कहूँ तू वो करता जाइए। अच्छा बहू से भी छुटकारा दिलवा देगा? हाँ माँ हाँ। कुछ भी कहो, प्रधान है बड़ा भला आदमी। माँ मैं कहूँ था ना, हमारा प्रधान बड़ा दिलदार आदमी है। बेशरम हो तुम, बेशरम। अरे कहीं काला मुंह करके डूम मरो, पता नहीं कौन से जन्मों के अच्छे कर्मों से ऐसी देवी के इस घर में कदम पड़े थे। करोड़ों में कोई भाग्यशाली होता है जिसके घर में ऐसी बहू या बेटी हो। देवी थी वो देवी, अरे तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। और मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस घर का बड़ा हूं। तुम्हें नहीं पता पर मैं एक अनहोनी की आहट सुन रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि उस देवी के कदम इस घर में दोबारा पड़ेंगे। हे भगवान, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। मन्नत तेरे तक कहा था ना, कुछ भी ले ले पर मेरे तक पंगा मत ले, पर तू नहीं माननी। पतंग जब ज्यादा ऊंची उड़ान भरने लगती है ना, तो समझो या तो वो टूट जाती है या कट जाती है। खत्म कर दो रे इसे। प्रधान जी नजर थी। अच्छा तो ये बात है, करो जो थारे मन में, बस जिंदा मत छोड़ देना, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी, बहुत खतरनाक है।
कोई अबला नहीं है और ना ही आज ये अकेली है, आज इसका पति इसके साथ है, इसका परिवार इसके साथ है। अरे जो हर एक के दर्द में काम आते, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रुको, कानून को हाथ में मत लो। कौन? तेरे कारनामों की बढ़ते डर की फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब तेरे लिए उपयुक्त जगह काम नहीं, जेल है। जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस सम्मान के काबिल समझा, जिन्होंने इस शुभ कार्य में मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास जताया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस पूरे गांव का कि उन्होंने मेरी बात समझा। भले ही थोड़ा समय लगा, ये सम्मान है इस पूरे गांव का, ये सम्मान है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया, ये सम्मान है मेरे सास ससुर का जिनकी मैं बहू हूं, और ये सम्मान है उनका जो इन सब के पीछे खड़े खड़े जिनके बिना ये संभव ही नहीं, जिन्होंने इन सब बातों से अनजान होते हुए ना चाहते हुए मेरा साथ दिया और मेरी इज्जत मेरे जीवन दोनों को बचाया, और वो है मेरे पति श्री विकास। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर आए, क्योंकि आपके बिना ये सम्मान अधूरा है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस देश के संस्कारों को पुनः जीवित कर एक बार फिर से इस देश को विश्व में धर्म गुरु बनाए। नमस्कार।
बड़े के।